हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकर बडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका बैंकर बडी यूट्यूब चैनल पे। होप सब अच्छे से और अच्छे से अपना जॉब कर रहे हैं। जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो लोग अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको आप क्रैक कर सकते हैं और बैंक में अपना जॉब एक ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। आप लोगों ने तो थंबनेल देख ही लिया होगा किस बारे में है। उसके पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था एलएफसी के बारे में कि कैसे बताओ, कैसे उसको अवेल किया जाता है। और उससे भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था, बहुत लोगों ने बोला था कि आप लोग यूट्यूब में एक्टिव नहीं हो, वीडियोस बनाओ, ये वो, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो चलो, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ हेल्प कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। और आप लोग बहुत सारे लाइक्स भी देते हैं वीडियो को, तो अच्छा लगता है। बहुत लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। मैं हो सकता है बाद में तुरंत ना रिसीव कर पाऊँ, बाद में मैं उनको कॉल बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब में एक्टिव रहने का कारण, नहीं रहने का कारण ये है कि देखो, यूट्यूब मेरा कोई पैसे कमाने का तो रास्ता है नहीं कि जिसमें मैं कुछ भी वीडियोज़ डालूँ और एक्टिव रहूँ और उसमें से व्यूज़ आए तो मैं पैसे कमाऊँ, है ना। तो मैं पैसे के लिए जॉब करता हूँ, तो YouTube जस्ट आप लोगों को हेल्प करने के लिए है। तो मुझे जब सही इन्फॉर्मेशन, सही प्रोसेस पता चलता है जिससे कि वो सक्सेसफुल होता है, तो मैं उसका ही वीडियो बनाता हूँ। तो आज भी वैसा ही केस है। LFC के बारे में मैंने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, ठीक है, और इसीलिए मैं इसके बारे में अभी सही इन्फॉर्मेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप अपना LFC अवेल करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करेंगे। उसके पहले थोड़ा बता दूं कि ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा। जब भी आप लोग, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हो, 70-80% सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे नहीं पता क्या होगा। अब अगर एक सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा भी चैनल थोड़ा आगे जाएगा, आप लोग और लोग ज़्यादा लोगों के पास हेल्प पहुँचेगा। और ये बेल आइकन भी प्रेस करने का कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियोस कोई भी अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो, जो कि है LFC के बारे में। स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से, कोई भी पार्ट मिस नहीं कीजिएगा, ताकि अगर एक स्टेप छूट जाएगा तो आपको भी अवेल करने में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो चलो फिर पहले हम लोग चल जाएंगे हमारे HRMS जो PNB का है, उसके होम पेज में। यहाँ पे आप सारे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेविगेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेविगेटर में क्लिक करने के बाद आ जाएंगे हम लोग सेल्फ सर्विस पे। सेल्फ सर्विस में आप थोड़े से ही नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखेगा लीव फेयर कंसेशन TADA। ठीक है, तो इसी में जो है हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे आप दो ऑप्शन देख रहे हो, एक है LFC एनकैशमेंट, एक है LFC जर्नी। तो LFC एनकैशमेंट क्या होता है, अगर आप कोई जर्नी नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उसका पैसे जो है अवेल करने हैं, LFC एनकैशमेंट करना है, तो LFC उसके लिए, LFC इन्वेस्टमेंट उसके लिए, अगर आप कोई जर्नी कर रहे हो तो आपको फर्दर उसमें जाना है। ठीक है, तो मैं जर्नी का अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने अभी तक किया नहीं है। जो मैंने किया है वो है LFC इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसके बारे में ही आज आपको बताऊंगा। तो चलो फिर LFC इन्वेस्टमेंट में हम चल जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो ऑप्शन, ये LFC एप्लीकेशन आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे फाइंड एन एग्जिस्टिंग वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या है कि जो अपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो वो शो करेगा, और यहाँ पे है ऐड न्यू वैल्यू। ठीक है, तो मैं पहले आपको ऐड न्यू वैल्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से करते हैं। मैंने अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, तो ये ऐड न्यू वैल्यू पे क्लिक करना है। आने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स, PF नंबर है वो दिखा देगा, तो इसमें पहले हमको ऐड करना है। तो जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पे पूरा सा ये इंटरफेस आपका आ जाएगा LFC एनकैशमेंट का। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मेरे भी यहाँ पे है, दिख रहे हैं आपको मेरे PF नंबर, सब कुछ, नाम है, कौन से ब्रांच में मैं पोस्टेड हूँ, उस ब्रांच का सोल आईडी, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब आपको मैं जो मेन पार्ट है यहाँ पे देखता है ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक क्या है एक्चुअली, मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये ब्लॉक क्या है। ठीक है, ये ब्लॉक LFC है, दो दो मतलब 2 साल में और 4 साल में क्लेम किया जाता है। तो अगर मान लो आपने 2 साल में आपको क्लेम करना है, ठीक है, तो वो होता है ब्लॉक सब ब्लॉक वन, और उसके बाद फिर 2 साल का, अगले 2 साल में आपको क्लेम करना है तो होता है सब ब्लॉक टू। ठीक है, और अगर आपको पूरे एक बार में क्लेम करना है 4 साल में, तो उसका भी मैं बता देता हूं अभी। ठीक है, तो
उसके पहले मैं बता दूं कि अगर जब आप लोग HRMS खोलेंगे अपना ये LFC इनकैशमेंट के इस हिस्से में आएंगे ना ऐड न्यू करके, तो हो सकता है आपको ये ब्लॉक्स ना दिखे, ये सब ब्लॉक वन ये सब ब्लॉक टू ज़्यादातर केस में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये डिसेबल रहता है सर्किल ऑफिस से और जोनल ऑफिस से डिसेबल रहता है। तो इसको इनेबल आप कैसे कर सकते हो? इनेबल आपको इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको जो है HRD में आपका सर्किल ऑफिस जो रिस्पेक्टिव सर्किल ऑफिस है आपके, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है HRD डिपार्टमेंट में। HRD डिपार्टमेंट में हो सकता है आपको कांटेक्ट में ना हो, तो आपको अपने जो ब्रांच हेड है आपके ब्रांच मैनेजर को बताना है कि मुझे LFC इनकैशमेंट करना है, और उसके लिए आप थोड़ा HRD में मेल कर दो। तो ब्रांच हेड क्या करते हैं, अपने मेल आईडी से ब्रांच से मेल करते HRD को आपके डिटेल्स देके कि आपका LFC इनकैशमेंट का जो ब्लॉक है उसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो जब LFC ब्रांच में हेड मेल कर देता है, तो HR सर्किल ऑफिस से जो HRD डिपार्टमेंट है वहां से जो है ये ब्लॉक ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसको ये ब्लॉक ओपन कर देने के बाद आप जब HRMS आपको खोलोगे, तो इसमें आपका ये सारे चीज दिख जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक सारे, ये ब्लॉक सब ब्लॉक वन सब ब्लॉक टू दिख जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा ज्वाइनिंग जो है 2 नवंबर 2020 को हुआ था, तो मेरा ब्लॉक डेट जो है 1 नवंबर, सॉरी ये तो ब्लॉक एंड डेट है, ठीक है। ये 2 नवंबर 2022 से मेरा 20 से 1 नवंबर 2022 तक का ये फर्स्ट ब्लॉक का मेरा जो है वैलिडिटी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सब ब्लॉक टू का वैलिडिटी मेरा कब होगा, मतलब अभी से जो है मेरा सब ब्लॉक टू का जो वैलिडिटी है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। 2 नवंबर से ही 2022 से मेरा सब ब्लॉक टू का वैलिडिटी शुरू हो जाता है, वो खत्म होगा 1 नवंबर 2024 को, ठीक है। तो इसके बाद ये जब ब्लॉक आ जाता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लेम में आना है। तो क्लेम में जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, एक फैमिली, एक सेल्फ और सेल्फ एंड फैमिली। अगर आपका डिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेल्फ एंड फैमिली को सिलेक्ट करोगे। अगर आपका जो सेल्फ है, मतलब कि आपका कोई डिपेंडेंट नहीं है, हाँ, और आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सेल्फ क्लिक करना है। और अगर मान लो कि आपने, मान लो कोई है जो कि इस साल उन्होंने वो सिंगल है, ठीक है, तो उसने सेल्फ करा, अगले साल वो मैरिड हो गए, तो वो क्या करेंगे, तब सिंगल के लिए तो उसने क्लिक कर दिया, लेकिन वो फैमिली के लिए फिर वो क्लेम करेंगे, ठीक है ना, मतलब अपने वाइफ के लिए क्लेम करेंगे। तो मेरा क्या था, मेरा था सेल्फ एंड फैमिली, तो मैं दोनों एक साथ कर रहा था, ठीक है। अगर आप सेल्फ करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, सारा ऑप्शन चला जाएगा, आपको बस यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप तीन ब्लॉक यहाँ पे देख सकते हो, फुल ब्लॉक सब ब्लॉक वन सब ब्लॉक टू। तो ये फुल ब्लॉक कब यूज होता है, जब मैंने कहा था कि जब आप 4 साल में एक बार क्लेम करोगे तब ये फुल ब्लॉक जो है आपको यूज करना है। लेकिन क्योंकि मैं 2 साल के अंदर क्लेम कर रहा हूं, तो मैं करूंगा क्या, सब ब्लॉक वन को क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये अभी देखो क्या कह रहा है, योर ब्लॉक पीरियड इज नॉट डिफाइंड एज सिलेक्टेड एज पर एलिजिबिलिटी। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है ऊपर, आप देख सकते हो, तो इसलिए ये दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको, आप तो पहली बार क्लेम करोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये आपने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये आप सेल्फ के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे PL इनकैशमेंट, मतलब आपका जो PL होगा छुट्टी प्रिविलेज लीव, उसको आप जितना भी है इनकैशमेंट इसमें डाल के कर सकते हो उसके साथ ही, ठीक है। तो PL आप मतलब ज्यादा से ज्यादा 15 तक इनकैशमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ के लिए। अगर अगर आपको फैमिली के लिए करना है, ठीक है, सेल्फ एंड फैमिली, तो आप इसमें क्लिक करोगे, ठीक है। ये डिफाइन नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है देखो मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक बार बैक चला जाता हूँ, बैक से आपको फिर से शुरू से इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। रुको 1 मिनट, ये तो क्योंकि वो एक बार मैंने सिलेक्ट कर लिया था इसीलिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कहोगे कि LFC में बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ठीक है, LFC इनकैशमेंट में बेनिफिट क्या मिलते हैं। तो मैं बेनिफिट का बता दूं कि पर पर्सन, मान लो अगर आप सेल्फ के लिए क्लेम कर रहे हो, तो आपको सेकेंड AC का फेयर मिलता है। सेकेंड AC का फेयर मिलता है कितना डिस्टेंस तक, 15,000 किलोमीटर तक का आपका जो फेयर होगा सेकेंड AC में, उसका जो है पर पर्सन मिलता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देख लिया, तो अब मैं बता देता हूँ कि क्लेम कैसे करना है। तो सेल्फ एंड फैमिली आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तो आप ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद पर सब ब्लॉक वन सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ये डिपेंडेंट आईडी, ये डिपेंडेंट में क्या होगा, आप जैसे इसमें क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसमें आपके जो डिपेंडेंट्स है वो दिखा देंगे। अगर आपका डिपेंडेंट रहा तो मेरे केस में मेरे फादर मदर मेरे सिस्टर डिपेंडेंट है, तो उन तीनों का नाम यहाँ पे शो कर रहा है, तो इन तीनों को एक एक करके सिलेक्ट कर लूंगा मैं, सिलेक्ट करके फिर अब मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ये तो मैंने कर दिया, कर रखा है पहले से ही। अब आप कहोगे कि डिपेंडेंट कैसे होता है, ठीक है। देखो डिपेंडेंट का क्राइटेरिया है कि डिपेंडेंट जो भी है उनका इनकम पर मंथ 12,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 12,000 से नीचे का डिपेंडेंट है, जैसे आपके फादर का अगर इनकम 12,000 से नीचे का है, तो आपके फादर तो डिपेंडेंट होंगे क्योंकि आपके मदर आपके फादर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके भी वो आपके उनके फादर के साथ मदर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। सिस्टर्स का जो है उसका कुछ डिपेंडेंट का क्राइटेरिया है, वो आप जो क्राइटेरिया है उसमें आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि इस तरीके से आपका, और अगर आपका जैसे मान लो किसी के फादर नहीं है मदर है, तो मदर ऑटोमेटिकली फिर जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंट दो तरह के होते हैं, एक है मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में डिपेंडेंट, और एक होता है ये एलएफसी एनकैशमेंट में डिपेंडेंट, ठीक है। तो हो सकता है आपने जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने क्या करा था कि मेरा डिपेंडेंट जो था वो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड था, बट जब मैं यहाँ पे क्लेम करने आया था तो यहाँ पे मेरा कोई भी नाम शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तब मैंने जब मैंने बात किया एचआरडी में, तो उन्होंने कहा कि मैं ये एलएफसी इन्कशमेंट के लिए डिपेंडेंट ऐड करवाने पड़ते हैं, उसका एक फॉर्म फॉर्मेट आता है, ठीक है। वो फॉर्मेट जो है फिल करके तो फिर मैंने अपने मैनेजर को दिया, अपने मैनेजर ने उसमें स्टैम्प और अपना सिग्नेचर करके जो है उसका स्कैन करके वो मेल कर दिया था एचआरडी में। मेल कर देने के बाद एचआरडी डिपार्टमेंट से जो है उन्होंने डिपेंडेंट ऐड कर दिया था, ठीक है। वो फॉर्मेट जो है मैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग वो फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा, वो इस तरीके से आप डिपेंडेंट ऐड करोगे, और उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंट शो करने लगेगा, ठीक है। और अगर आपका डिपेंडेंट कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ के लिए अप्लाई करोगे तो ये सब आपको फिल करने के लिए आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्कैशमेंट का पूरा प्रोसेस। तो जैसे मैं अगर सब ब्लॉक टू सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सब ब्लॉक टू सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके लिए अभी एलिजिबल हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ बट मैं अभी करूँगा नहीं। तो वन सेलेक्ट करता तो अभी नहीं होता क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लेम कर रखा है। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनकैशमेंट, और ये इनकैशमेंट ये आपको कैसे मिलेगा, ये आपको सैलरी के साथ मिलेगा। जैसे मैंने ये अक्टूबर में 30 को मैंने शायद अप्लाई करा था, ठीक है, तो मैंने करा था, तो अभी जो नवंबर का जो मेरा सैलरी स्लिप बनेगा उसमें ये दिखा शो करने लगे, अभी से लग रहा है। मैं आपको नेक्स्ट मंथ जो है उसका डिटेल्स आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि सैलरी में कितना क्या मिला है वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ का सैलरी जो मेरा एक इंक्रीमेंट भी हुआ है नवंबर में, सेकेंड इंक्रीमेंट हुआ है उसके साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर रखा है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मेरे डिपेंडेंस शो करने लगे, मैंने अपने फादर का सिलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैं प्लस में क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद फिर मैं दूसरे डिपेंडेंट को ऐड करूंगा जो मेरे मदर है उनको, तो इस तरीके से ये प्लस प्लस में क्लिक करके मैं बाकी डिपेंडेंट्स को ऐड कर लूंगा। पीएल इनकैशमेंट मैं इसमें डाल दूंगा कि नंबर ऑफ पीएल मित्र मेरे कितने लेने हैं, तो मैं 5 डाल दूंगा क्योंकि मेरे केस में मैंने एक ही डाला था, मैं पीएल अभी बचाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे मान लो कहीं छुट्टी की जरूरत पड़े तो मैं उसको नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको फेयर का भी बता दिया किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको समझ में आ गया। ये सब करके आपको यहाँ पे आई एग्री अब पे क्लिक करना है, करके सबमिट कर देना है, और ये जो वेरीफाई होगा ये आपका मैनेजर एचएमएमएस के थ्रू वेरीफाई होगा, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद फिर वो आपके नेक्स्ट सैलरी में आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो पर पर्सन आपको कितना मिलेगा, सेकेंड एसी का फेयर मैक्सिमम 15,000 डिस्टेंस तक का जो फेयर होता है सेकेंड एसी में वो मिलेगा पर पर्सन। अगर आपको खुद है तो सिर्फ एक ही एक जन के लिए ही मिलेगा, और आपके डिपेंडेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंस अगर होंगे, जितने नंबर ऑफ डिपेंडेंस होंगे इनटू आप वो कर लेना, ठीक है, उतना आपको मिल जाएगा। और पर पीएल कितना मिलता है, वो 1200 समथिंग करके पर पीएल इनकैशमेंट के मिलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एलएफसी का प्रोसेस था,
तो होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा वीडियोस लंबा हो गया, पर मैं चाहता था कि इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं और स्टेप बाय स्टेप करूं ताकि आपको भी ये कोई मिस ना हो, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से लेप्स इन्कैशमेंट होता है। चलो आज के लिए इतना ही, इतने वीडियोस था जो कि मेरे पास, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए था। इसका मैंने डिटेल प्रोसेस आपको बता दिया, तो होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से करना है और नेक्स्ट टाइम आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, होप आप सब अच्छे से रहो, अच्छे से इंजॉय करो, अपना जॉब करो, और चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।